वेलकम टू माय चैनल त्रिया जी विशाल डबल वन डबल वन। आज हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल करंट एनर्जी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, सेपरेशन मोड में हैं, जिनके अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, और आपके लिए इंजन की क्या गाइडेंस रहेगी, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को चेक करते हैं रिलेशनशिप की, कि इस समय आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी। पहला कार्ड आ चुका है इंटेंसिटी, और ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, इनको हम देख लेंगे। प्लीज़ इसे गाइड करें, पॉसिबिलिटीज, ट्रस्ट, कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन, द वर्ल्ड। तो इस समय आपके रिलेशनशिप की कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, कहीं ना कहीं आप बहुत ही इंटेंसिटी महसूस कर रहे हैं। कुछ आपकी लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अपनी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अपने पार्टनर की याद में आपको बहुत ही इंटेंस हो गया, आप उनको याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप को लगता है कि इस रिश्ते में अभी भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बाकी है। आपको अपनी रिलेशनशिप पे ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया तो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आया है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक नया आयाम आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। चलिए अब देखते हैं कार्ड से कि इस समय आपकी एनर्जी कैसी है, बाद में आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं इस समय, उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी, उनकी खुद की एनर्जी कैसी है इस समय, एंजल गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है सेवन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप की कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है इस समय कि आप किसी इल्यूजन में हैं, आपको चीजें ढंग से समझ में नहीं आ रही हैं। निगेटिविटी की वजह से ये हो सकता है, शायद आप किसी आपके ऊपर ये कि कोई निगेटिविटी हो जिससे आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो। आप अपने रिलेशनशिप में मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन एफर्ट भी लगाना चाहते हैं, लेकिन वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है कहीं ना कहीं। इस समय आपकी कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है कि किंग ऑफ पेंटिकल आए हैं, आप अपनी रिलेशनशिप में अबर्डन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, कहीं ना कहीं पूर्णता चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल भी हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मेटलिस्टिक ग्रोथ होती है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के बिना एंजाइटी में हैं, कहीं ना कहीं अगर आप एफर्ट लगा रहे थे तो अब आप उस एफर्ट को लगा के कहीं ना कहीं आप बहुत थक गए हैं। आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन करना, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना और उनके साथ चीज़ों को शेयर करना। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत और अपने आप पार्टनर से मिलें। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय कैसी है, प्लीज एंजल गाइड करें। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस समय, उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है इस समय, पेज ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, द टावर्स।
बॉटम ऑफ द डेक आया है द चैरियट। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस समय ऐसी है कि या तो उनकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ एक्शन लें और इक्वल गिव एंड टेक करें। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इमोशन को हाइड किया हुआ है, अपनी बातों को आपसे शेयर नहीं करना चाहते और ना ही बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनमेच्योरिटी वाली बहुत ही एनर्जी है उनकी। वो कोई भी आपकी रिलेशनशिप में मेच्योरिटी से डिसीजन नहीं लेना चाहते। हाँ, कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कभी कभी सोचते हैं कि कॉल मैसेज कर लें आपको। आपके लिए पैशनेट भी होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनमेच्योरिटी वाली फीलिंग है उनकी। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि वो इनमेच्योरिटी से कुछ भी डिसीजन लेना नहीं चाहते। कुछ ना कुछ आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अपने इमोशन को आपसे बताना भी चाहते हैं, मगर उनको पक्के तौर पे करना नहीं चाहते। सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, थॉट लेवल पर हो रहा है सब कुछ, उसके लिए कुछ भी एक्शन नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई थी, कोई ऐसा मोमेंट आया था जिसकी वजह से रिश्ते आपका खराब हो गया था, या फिर आप लोग सेपरेशन मोड में चले गए थे, नो कांटेक्ट जोन में चले गए थे, चीज़ें लगभग लगभग आपके बीच में ख़त्म हो गई थी, पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म हो गया था। तो वो मोमेंट उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं उस बदलाव को, उस चेंज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने वो चीज़ें होल्ड की हुई है अभी भी, जिसकी वजह से उनकी ऐसी एनर्जी है। अब देखते हैं कि एंजल की आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। हेल्थी पीपल, चूज ए न्यू डायरेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। एंजल आपसे कह रहे हैं कि अगर चीज़ें आपके बस से बाहर हैं, आपको कंट्रोल नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो आपके लिए एंजल कह रहे हैं कि आप अपनी हेल्प के लिए दूसरों की मदद ले सकते हैं। अपने काम के लिए, अपनी किसी बात के लिए, किसी सजेशन के लिए आप दूसरों की मदद ले सकते हैं, एंजल आपसे कह रहे हैं। एंजल से आपको गाइडेंस है कि आप लोगों की हेल्प कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसी हेल्प कीजिए, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो जाए, या फिर आप किसी की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी कर दें, या फिर जिस भी वे में आप हेल्प करना चाहें, जो आपकी कैपेसिटी के अंदर है, आप लोगों की हेल्प कीजिए। इससे आपके गुड कर्म क्रिएट होंगे। इससे ये होगा कि जब आपके गुड कर्म क्रिएट होंगे तो आपकी कहीं ना कहीं जो कर्म है पास्ट लाइफ के, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे उसमें, और आपके गुड कर्मा क्रिएट हो जाएंगे। एंजल आपको कह रहे हैं कि अगर चीज़ें खराब हो गई हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप एक नया रास्ता चुनें। जिस भी पैटर्न पे आप चल रहे थे, जिन भी आप चीज़ों को कर रहे थे, आप उसको बिल्कुल छोड़ दें। आप बिल्कुल न्यू डायरेक्शन से, न्यू वे से, न्यू विजन से चीज़ों को स्टार्ट करें, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड ग्रोथ आएगा, और आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है बहुत जल्द, बहुत जल्द आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। वो तो किसी भी वे में हो सकता है, आपकी फैमिली की साइड से हो सकता है, आपके पार्टनर की साइड से हो सकता है, किसी भी वे से हो सकता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में रोमांस आ रहा है, आपका रिश्ता ठीक हो रहा है। एंजल से आपको ये गाइडेंस। तो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, थैंक यू।